एनआरसी बहुत बड़ा फैक्ट है, क्योंकि आसाम में ज़्यादातर हिंदू भाई भी कैंप में है, तो इसीलिए ये रिजल्ट हुआ है। तीसरा बात है जो कांग्रेस के बारे में आप बोल रहे हैं, कांग्रेस का अच्छा अच्छा जो लीडर है, जूनियर लीडर्स है, उन लोग तो कभी सीनियर जो लीडर है पश्चिम बंगाल में तो प्रचार करने के लिए तो नहीं आए हैं। इसीलिए मेरा मानना है पहले से कांग्रेस चाहते थे ममता बनर्जी आए तो अच्छा होगा, तो ममता बनर्जी आए हैं। अगर नहीं चाहते तो कुछ चुनाव के बाद चलने के टॉक तो बोले थे, अगर जरूरत पड़े तो हम टीएमसी के साथ हाथ मिलाएंगे, कुछ सीट अगर जरूरत पड़े तो टीएमसी के साथ हाथ मिलाएंगे। दूसरा बात है राहुल जी सही से प्रचार करने के लिए नहीं आए, प्रियंका जी नहीं आए हैं, और जितना बड़ा बड़ा लीडर है कांग्रेस का उतने लोग तो प्रचार करने नहीं आए हैं। इसी हिसाब से मेरा मानना है, मेरा शक है, मानना है कि कांग्रेस चाहते थे जो बीजेपी को हटाना है तो ममता बनर्जी आए तो अच्छा होगा। हम लोग भी तो बीजेपी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये जो रिजल्ट के बारे में बोल रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि कांग्रेस तो आईएसएफ के साथ गठबंधन नहीं किए हैं, और यही जो संयुक्त मोर्चा में कभी किसी किसी जगह वाम कांग्रेस जोट है, कोई कोई जगह ऐसा है वाम के विरोध में कांग्रेस भी सीट दे रहा है, अगर खुलेआम प्रचार हो रहे हैं कांग्रेस संयुक्त मोर्चा के अंदर जो आईएसएफ है उसके साथ जोट नहीं कर रहे, ये भी तो इंसान के माहौल में आदमी के पास में एक तो गलत मैसेज जा रहा है, इस हिसाब से भी नुकसान हो सकते हैं। देखिए राजनीति में कुछ फायदा के बारे में सोचते हैं, क्योंकि अभी हम लोग भी चाहते हैं बीजेपी को रुकना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अगर आ जाए तो हमारे बंगाल का जो भाईचारा वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरा बात है फिर भी हमारा जो अस्तित्व है उसको तो भी बचाना चाहिए। आईएसएफ देखिए एक नया पार्टी है, आईएसएफ का चेयरमैन हमसे भी अच्छा बोल पाएंगे, फिर भी आईएसएफ को हम सपोर्ट किए थे इसीलिए बोल रहे हैं, एक नया पार्टी है जो वो अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। दूसरा बात है अगर चाहते थे कि कांग्रेस का यहाँ बंगाल में माहौल अच्छा रहे तो कम तो ज़्यादातर प्रचार भी करना चाहिए, उतना तो प्रचार भी नहीं किए, ऐसा कुछ दिखाना पड़ता है उसी हिसाब से प्रचार किए हैं, ये मेरा मानना है। देखिए हमको कोई सेकुलर माने या ना माने इससे हमको कोई लेना देना नहीं, मेरे संविधान हमको सेकुलर बोला है, संविधान को हम विश्वास करते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, संविधान के ऊपर हम खड़े हैं, वो संविधान जो बोलेंगे वही हमारे लिए सबसे बड़ा राइट होगा। दूसरा बात है अब्दुल मन्नन सिंह साहब कोशिश किए थे अगर ये गठबंधन अच्छा हो जाते तो अच्छा रिजल्ट हो सकते, मगर गठबंधन तो नहीं हुआ, कांग्रेस तो हमारे साथ मतलब आईएसएफ के साथ तो गठबंधन नहीं किया जितना हमको मालूम है। देखिए हम तो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरेंगे, वो आईएसएफ का जो चेयरमैन है वही खुल के बता पाएंगे, मगर हम एक आम इंसान की तरफ हम बोलेंगे ये तो गठबंधन सही से नहीं हुआ है, दूसरा बात है सही से पुछाड़ भी नहीं हुआ, तीसरा बात है बीजेपी के जो पुछाड़ है उस पुछाड़ से आदमी को खौफ आ गए, उस खौफ से आदमी लोग इधर उधर वोट ना करके सब टीएमसी को डाला, इसीलिए ये रिजल्ट हुआ है, और संयुक्त मोर्चा का रिजल्ट इसीलिए खराब हुआ। मेरा मानना है जो कांग्रेस का वोट कांग्रेस में नहीं गए हैं, वाम का वोट वाम में भी नहीं गए हैं, तो ये सब टीएमसी में गए हैं, क्यों गए हैं कैसे गए हैं तो हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमको तो उतना ज़्यादातर समझ में नहीं है, क्योंकि हम तो कोई पार्टी का जिम्मेदार कोई पद में नहीं है, तो मगर हम एक इंसान की तरफ जो माहौल हुआ था उस माहौल से हम जो रिजल्ट हुआ उसी हिसाब से हम बोल रहे हैं।
नहीं, ऐसा हमारा मानना नहीं है। देखिए, कोई आए या कोई ना आए, सब अपना अपना हिसाब है। अपने पार्टी के लिए कौन क्या प्रचार करे ना करे, मगर संयुक्त मोर्चा की तरफ से सबको मिलजुल के अगर लड़ते तो शायद हो सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ संयुक्त मोर्चा का कैंडिडेट हारे हैं, बहुत ऐसा जगह है कुछ कम वोट से हार गए हैं, तो हो सकता है वो सीट भी और अच्छा निकालते हैं। दूसरा बात है, किसी के ऊपर हमारा गुस्सा भी नहीं है, किसी के साथ हमारा दोस्ती भी नहीं है। देश की खातिर हम लड़े हैं, गरीब के खातिर हम लड़े हैं। आगामी दिन जब आएंगे, गरीब के लिए जो बात करेंगे उसके साथ हम रहेंगे, गरीब के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, देश के लिए आवाज़ उठाएंगे हम। धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू।